अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के कस्बा में एक गरीब वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हरे नारियल बेच रहा था। इसी दौरान कस्बे का ही एक टायर पंचर की दुकान नारियल को लेकर वृद्ध व्यक्ति से अभद्रता करने लगा, जिसके विरोध करने पर दबंगई दिखाते हुए मारपीट कर दी। वहीं वृद्ध व्यक्ति के परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां टायर पंचर दुकानदारों ने अपने साथियों को बुलाकर मेन बाजार में सरिया डंडों से मारपीट करते हुए पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव होते ही बाजार में भगदड़ मच गई, जिसमें एक मासूम बच्चे सहित लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पथराव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के लोग मौके से फरार हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? सानू। सानू कहां रहते हो? यही मड़ियों पे रहते हैं, यही घर है हमारा। थाना कौन सा है? थाना दादो। क्या मामला हुआ? पूरी बात मामला क्या, मैं तो अपनी पट्टी कराने गया अपने भांजे को लेकर और अपनी बहनों को और एक अपनी नाती को लेकर, तो मां मालूम पड़ी जर्रा की दुकान पे कि वो झगड़ा हो गया और फिर मुझे बोल लाई यहाँ पे धर के साइकिल पे, तो वो पुलिस यहाँ मोहल्ला में डोल रही तो बदतमीजी हमसे भी कर रही है, साले तू दादागिरी दिखाता है, ये कर रहा है और सब लड़कियों की और उनकी फोटो खींच रहे हैं। झगड़ा हुआ पलंग दुकानदारों में और इन बच्चों में, एक बस्ती का लड़का था फेरी वाला, उसे मार रहे थे, इनने बीच बचाव कर दिया, यही बात पर झगड़ा हुआ है। और मुनो कह रहे थे लोगाई लोंडियों से कि साले मोहल्ला छोड़ जाओगे, घर छोड़ जाओगे, वो मुकदमे लिखूंगा तुम्हारे खिलाफ। कौन कह रहा था? वो संदीप दरोगा था। घायल हुआ झगड़े में? झगड़े में हमारी तरफ दो तीन लड़के घायल हैं, वो फरार डोल रहे हैं डर के मारे, उनके एक के सरिया लगी है लड़के के। किसने मारी? उन्हीं मारी है, उन्हीं दुकानदारों ने, तालीबर की दुकान है उनकी, टायर पंचर होंगे। राजकुमार नाम है उसके बाप, वो उसका दुकानदार का नाम ज्ञान सिंह। बाप पथराव भी हुआ है? पथराव भी हुआ है वहाँ पे, अट्टा पे से पथराव कराया उनने। इधर जी हमारा मोहल्ला तो 100 गज की दूरी पे है वहाँ से, नाचना चाहिए पूरी सब उदम कर रही है। शमशाद दादो। शमशाद क्या मामला हुआ था, पूरी बात बताओ। मामला ऐसा था, बाबा का लड़का था छोटा सा, कितना बड़ा? छोटा ऐसी होता 10 साल का, तो वो गाली बक रहे थे बाबा के लड़के को। कौन बक रहे थे गाली? वही अनार सिंह का छोटा वाला लड़का है, वही गाली बक रहा था उल्टी सीधी, तो वो कह रहे बाबा के गाली क्या बक रहा, गोला तो तू वैसे भी ले सकता है, तो ऐसी बात थी, तो उल्टी सीधी और गाली बक रहा था। हमारे गाँव का लड़का था फारूक, तो उसने की गाली क्यों बक रहा है, गोला तो वैसे भी ले सकता है, तो वो भी मतलब फारूक भैया जी उल्टा बोल लिया था फारूक भाई भी, तो फारूक से हाथा पाई, मतलब फिर हाथा पाई हो गई थी फारूक में, वहाँ दो तीन हाथ मार दिए थे, इसी फारूक ने मार दिए थे, इतने में लड़ाई हो गई थी भाई। उनने पथराव करा था छत पे से, इधर से तो कुछ नहीं, पर उनने करा था फिर इधर से ही पथराव हुआ था, बात यही थी भाई। चोट इधर से तो 2-4 रन की लगी है, 3 रन की लगी है इधर से, तो उधर की पता नहीं। तो गोला लेने किसकी दुकान पर गए थे? बाबा ढकेल रेड़ी लेके आते हैं बाबा बस्ती से। हाँ, तो वो गोला लेने के लिए उनसे आए थे? हाँ, गोला लेने के लिए आए थे। बाबा तुम्हारी बस्ती के? बाबा उधर बस्ती के थे, अंदर बस्ती के थे, बुजुर्ग आदमी थे।